करने पर बैठे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की बंद। पहलवानों को हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। अब आगे क्या करेंगे पहलवान? भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है और पहलवानों को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। दरअसल धरने पर बैठे पहलवानों की ओर से दी गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, याचिका का उद्देश्य ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना था। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, ऐसे में हम याचिका बंद कर रहे हैं। वही कोर्ट ने पहलवानों को आगे के लिए हाई कोर्ट की ओर रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मानो ब्रजभूषण शरण सिंह के तोप पर ही लग गए। ब्रजभूषण ने ट्वीट किया और सबको अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचने को कहा। मानव कल्याण का मेरा स्वभाव है, समाज कल्याण का मेरा स्वभाव है, बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बता दें 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर मोर्चा खोला हुआ है। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आज धरने को 12 दिन हो गए हैं। खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर और सांसद पद से दोनों से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को बंद करना कहीं ना कहीं पहलवानों के लिए झटका माना जा रहा है। देखना भी ये होगा कि क्या एफआईआर के बाद गिरफ्तारी होगी या नहीं, या अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं, और नहीं तो ये खिलाड़ी कब तक अखाड़ा छोड़कर सड़क पर बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, यूपी।